पार्टी लीडर बनकर सेवा करते रहे। तुम ऐसा मत करना। जो इंसान आगे बढ़कर दूसरों के हक के लिए लड़े हैं वो लीडर कहलावे हैं, जैसे कि मारे बापूजी, पर उनका कुछ नहीं होवे। पर जो इंसान पीछे रहकर दूसरों को लूटे हैं वो पॉलिटिशियन कहलावे हैं, जैसे कि मैं। मारे पास पैसा है, सीएम की कुर्सी भी आ जाएगी। लोग आपके चेंबर में इंतजार कर रहे हैं सर, हमें जल्दी निकलना होगा। मंडे जाकर प्रजा की थोड़ी सेवा करनी है। ये सरकार लोगों की भलाई के लिए हुए, उन्हें लूटने के लिए ना, सारा काम हो जाएगा। रविंदर बोलो ताओ, तुम्हारे ऑफिस में जो चाइनीज ग्रुप है वो हमारे ही क्लाइंट है, सौदा ध्यान से करना। सब मंडे पे छोड़ दे, बैठो जी। हाय सर। बंदा थारी सेवा में हाजिर है, काम बोलिए। हमें फैक्ट्री बनाने के वास्ते आपका परमिशन चाहिए। मुश्किल है मंत्री जी। मारे को ना लगे वो मानेंगे, 5,000 परिवारों का सवाल होए। आपको 1,000 करोड़ रुपया देगा। उन्होंने भरोसा करके मरने चुना है। 3,000 करोड़। मारे जैसा ईमानदार आदमी इतने में ना दिखे। 5,000 करोड़। शंभुका का माई क्या? नहीं मालिक, वो नहीं आवेगी, मरने ही जाना पड़ेगा। क्यों माई, तूने मारे को जन्म दिया, साष्टांग प्रणाम। खाना खाया, दवाई तो ली होगी ना? मारी बातें तारा कान में तो पड़े ना, मारे घर में तो तू कदम ना रखे। तू तो कहे ये मंदिर थारे पति ने ईमानदारी के पैसों से बनाया है। बकवास, अगर थारे पति ने लोगों की परवाह ना करते हुए सिर्फ माल कमाया होता तो मारे को कंगालों की तरह जीना ना पड़ता। मारे को पता है तू दरवाजा ही बंद करेगी। तूने अपने उस मरे हुए ईमानदार पति के लिए अपने जिंदा बेटे से दूरियां बना कर रखी है माई। तू अपनी जगह से, मैं अपनी जगह से। अरे बाबूजी के उसूल मारे भेजे में ना आवे, मैं उन जैसा कभी नहीं बन सकता। अरे नहीं नहीं बनना तो मुझे मरने अनाथ बनकर ही जी लूंगा, नहीं चाहिए मरने माई। मानो इसके शरीर में तो तुम जरूर एंट्री मारना चाहोगे। 100 रुपए चोरी करने पर आप लोगों को चाबुक मारते हैं, तेल में डुबो कर निकालते हैं, चिलकों को खिला देते हैं। इसने तो 1,000 करोड़ सपा चट कर लिया है। दुनिया उसे नहीं अपना रही, उसकी माँ उसे नहीं अपना रही। उसके शरीर में घुसकर मरने के बाद आऊंगा तो आप तो मेरा भजिया तलेंगे ना। क्या 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 मुझसे बदला लेने की अच्छी तैयारी की है यम जी? मिस्टर गुप्ता आप तो देर शाने हैं। क्यों? फिक्र मत करो मानव, इंसान के कर्म उसके कार्य कब बदलते हैं कोई नहीं जानता। ट्रेलर देखो। जिस गवर्नमेंट की बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। 100 से भी ज्यादा लोगों के अंदर दबे होने की आशंका है। बचाव कर्मी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। होम मिनिस्टर भी घटना स्थल पर पहुँच चुके हैं और लोगों ने उन्हें घेर लिया। रविंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इंक्वायरी कमीशन को भेजा तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, बेल भी नहीं मिलेगी। बाकी सब मैं संभालूंगा, तुम्हें सीएम बनाना मेरी जिम्मेदारी। अपोजिशन पार्टियों के दबाव पर होम मिनिस्टर रविंदर ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया है। कार्यकर्ता नाराज हैं और वो मांग कर रहे हैं कि रविंदर को जल्द ही रिहा किया जाए, वरना वो शहर में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देंगे। कई नौजवानों ने खुद पर पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा दी है। इससे पहले कि ऐसी दुर्घटना और बढ़े उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया है। नमस्ते सर। मालिक, ये तुमने क्या कर लिया चंद्र? आप मेरे नेता है मालिक, मैंने कहा था मुझे मिलने आएंगे। मालिक आप आ गए। मालिक मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा मालिक, मैं ठीक। चंद्र चंद्र सर, सर आप दुखी मत होइए, मुझे दुख नहीं है कि मेरा भाई मर गया। हर इंसान जो पैदा होता है उसे मरना है, आपके लिए मरा ये इसकी खुशनसीबी है सर, मुझे कोई दुख नहीं है सर। चंद्र
ये हमने अच्छा नहीं किया। याद है राजा को जिताने के लिए हजारों सिपाही कुर्बान हुआ करते थे। इन कीड़े मकोड़ों की परवाह मत करो। पब्लिक दो दिन में सब भूल जाती है, तुम फिक्र मत करो। इन्हें देखकर इमोशनल होगी तो आंसू आएंगे, इग्नोर करोगे तो सीए बन जाओगे। अपनी तरक्की के लिए तुम हमारी जिंदगी से खेलते हो, सीएम की कुर्सी के लिए बचाओ। पागल हो गया है ये। आज से ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी तेरी। तुम्हारे पिता और मैं खुश थे कि हमने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। तुम एक अच्छे नेता हो, ये लोगों को गलत फहमी है। मेरी कोख में तुम मुझे हमेशा लात मारते थे, तब दर्द नहीं हुआ, पर अब दिल पर इतने वार कर रहे हो कि सह नहीं पा रही हूँ। आज तक तुम्हारी सारी गलतियों को देखकर मैं हमेशा चुपचाप सहती रही, जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि तुम कभी ना कभी बदलोगे, पर आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई और आज के बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। तुम एक अच्छा बेटा बनकर अपने पिताजी का सपना तो पूरा ना कर सके, बस अब तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। जब मैं मरूंगी तो मेरी लाश के साथ पॉलिटिक्स मत खेलना। हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी ही विनती करती हूँ तुमसे, फ्यूचर सीएम, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? आज तक की हमारी काली कमाई मैं जनता में बांट दूंगा। ए, तुम पागल हो गए हो क्या? कल मैं हमारे गुनाहों का कट्ठा चिट्ठा मीडिया को बताने वाला हूँ और जेल जाने वाला हूं। तो क्या हम सब भी जेल जाएंगे? हाँ, तुम सभी जेल जाओगे। ऐसा कुछ नहीं करना, हमारी डील हुई थी। सारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया, मारो फैसलो सुनाने के लिए किया है। पूरा तबेला गया पानी में। का मतलब आज मैंने अच्छी तरह से समझ में आ गया। मत माफ करना।